हेलो लर्नर्स, आप सबके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? जीआरएफ से रिलेटेड है। जी हाँ, जीआरएफ अमाउंट, जीआरएफ एंड एसआरएफ अमाउंट से रिलेटेड है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ये। वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। तो देखिए, ये एक ऑफर भी चल रहा है अकेडमी पे, इसका लाभ आप ले सकते हैं। 20% ऑफ और फ्री मंथ, 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। सिमर टंग मेरा कोड है। लेट्स सी। सो एज यू नाउ कि कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बात हुई थी कि जे आर एफ एस आर एफ की अमाउंट है वो बढ़ा दी जाएगी, है ना। और कईयों को लगता था कि ये नोटिफिकेशन जो है साइंस स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो यूजीसी के अंदर आते हैं उनके उन पर ये नहीं अप्लाई होगा, कईयों को ऐसा लगता था। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ घंटे पहले जो हमारा कैनरा पोर्टल होता है जिस पर आपका फेलोशिप आता है, मुझे काफी सारे लर्नर्स ने बताया कि उस पर जेआरएफ एसआरएफ अमाउंट अपडेट हो चुका है। यानी कि उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका 1 जनवरी 2023 से जो जेआरएफ अमाउंट था वो 31,000 से 37,000 होना था, एसआरएफ अमाउंट 35,000 से 42,000 होना था, ठीक है। और वो अभी तक अपडेट नहीं हो रहा था पोर्टल पर, और इसका कुछ पता भी नहीं चल रहा था कि क्या ये यूजीसी वालों का बढ़ेगा भी, नहीं बढ़ेगा, सिर्फ साइंस वालों का ही बढ़ेगा। तो आप सबके लिए अभी ये गुड न्यूज है कि जितने भी यूजीसी वाले हैं उनका भी ये बढ़ चुका है, अपडेट हो चुका है पोर्टल पर। ठीक 1 जनवरी से ये अमाउंट अपडेट हुआ है। यानी कि अभी अगर अक्टूबर चल रहा है तो जनवरी से लेके सितंबर तक का सारा अमाउंट जो है, जितना मतलब 6,000-6,000 हर महीने का इंक्रीमेंट हुआ है आप लगा लो, वो सारा आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यही नहीं, सिर्फ आगे बस सुनते चलिए, बहुत फायदा मिलने वाला है अभी जेआरएफ वालों को। और अगर आपका जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ ना, तो फटाफट से अपना जेआरएफ क्लियर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारा फायदा मिलने वाला है आपको। यही नहीं, जो कंटिंजेंसी अमाउंट मिलती है जेआरएफ वाले को, कंटिंजेंसी अमाउंट अप्रोक्सीमेट 2,500 के आसपास मिलते 3 महीनों की, वो भी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है। सो कंटिंजेंसी अमाउंट भी बढ़ी है जेआरएफ एसआरएफ वालों की। आप लगा लो अप्रोक्सीमेट इसका वैल्यू 2,500 से डबल हो गया, इनके 5,000 के आसपास ही चली गई है, ठीक है। और एचआरए तो बड़ी थी पहले भी, उसका नोटिफिकेशन पर मैंने अलग से पहले भी वीडियो बनाई हुई है अपने दूसरे वाले चैनल पर, जिसमें आपको सारा बताया हुआ कि एचआरए भी जो है उसकी स्लैब जो है परसेंटेज जो वो भी बढ़ा दी गई थी, है ना। तो ये गुड न्यूज आप सबके लिए। यानी कि अब आप में वो एक मोटिवेशन, वो एक आग आ जानी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो फेलोशिप बढ़ाते चली जा रही है, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इसमें इंक्रीमेंट करती जाती है, और हो सकता है आने वाले सालों में ये 50,000 के आसपास जेआरएफ पहुंच जाए। क्योंकि जिस अकॉर्डिंगली देखिए, जब स्टार्ट हुआ था 18,000 एक टाइम होता था, जब बहुत ही कम होता था जेआरएफ, फिर 25,000 हुआ, फिर बढ़ गए, अब 37,000 हो गया, है ना। तो आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं। तो फटाफट एकदम कमर कस के तैयारी खींच लीजिए भाई। ऐसा जेआरएफ एसआरएफ एक ऐसा, यू कैन से, एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है ना, ये ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसको क्रैक करने के बाद आपको गवर्नमेंट से पैसे भी मिल रहे हैं और साथ साथ में स्टडी भी कर रहे हो, दोनों चीजें हो रही हैं आपकी। आपको डिग्री भी मिल रही है और साथ में पैसे भी मिल रहे हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता कुछ भी कि आप ये जो अमाउंट है सिर्फ आपको पीएचडी के खर्चों के लिए करनी है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो कंटिंजेंसी होती है ना इसमें, वो सिर्फ आपको पीएचडी के खर्चों के लिए करनी होती है, क्योंकि इसमें बिल जाता है आपका, बिल आपको देना पड़ता है नोडल ऑफिसर को। बट जो दूसरा अमाउंट होता है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है ना, आप या आप अपनी फैमिली के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए ये वाला अमाउंट खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको इसलिए दे रही है कि आप निश्चिंत होकर पैसे की परवाह किए बिना अपनी पीएचडी करिए और किसी भी तरह के लिविंग एक्सपेंसेस की टेंशन मत लीजिए, है ना। तो इसलिए ये गवर्नमेंट आपको दे रही है, ठीक है। इसमें कंटिंजेंसी होती है, प्योरली आपको बिल वगैरह दिखाने पड़ते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अभी पीएचडी कर रहे हैं और जिनका ये जेआरएफ एसआरएफ बढ़ चुका है, और जिनका नहीं बढ़ा, जो भी रास्ते पर है, यानी कि जो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक पॉजिटिव इंकरेजमेंट वाला, मोटिवेशन वाला पॉइंट है कि जेआरएफ एसआरएफ बढ़ गई है और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, ठीक है जी। तो मुझे यही जानकारी आपको देनी थी। हाँ, देखिए, अब कई यूनिवर्सिटी जैसे रिसर्च एसोसिएट हायर करती है ना, ये उसका ग्रेड है, रिसर्च एसोसिएट फर्स्ट ग्रेड का भी, सेकंड का भी, थर्ड का, ये इसकी दी हुई है स्लैब्स, ठीक है। अब जैसे जे आर एफ 31 से 37 हुई है, तो ऑब्वियसली एस आर एफ भी बढ़ेगी, एस आर एफ 35 35 से 42,000, और ऑब्वियसली कंटिंजेंसी भी एस आर एफ की बढ़ी है। तो जे आर एफ एस आर एफ दोनों का एक, तो ये अमाउंट बढ़ा है, एक कंटिंजेंसी बढ़ी, और एच आर एफ वैसे पहले नोटिफिकेशन में बढ़ी थी, कई यूनिवर्सिटीज में बढ़ी हुई एचआरए अप्लाई हुई है, कईयों में नहीं अभी तक हुई हुई अप्लाई, है
ठीक है, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट सरकार यूजीसी की तरफ से एचआर इंक्रीज का नोटिफिकेशन भी पीछे आया था, ठीक है, जिसमें उसकी परसेंटेज स्लैब जो है वो बड़ी थी। ठीक है जी, तो आप एक चीज और देखिए, जैसे 19 से 23, 20, 21, 22, 4 साल बाद ये इंक्रीमेंट आया, आने वाले 3-4 साल बाद कोई और इंक्रीमेंट आएगा, 50,000 हो जाएगी, मतलब कि वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। अब इससे पहले वाला आप देखोगे तो 25,000 थी, वो इससे 3-4 साल पहले थी, तो वो लगातार मतलब 3-4 साल बाद अपडेट होती जा रही है, आने वाले टाइम में ये और बढ़ने वाली है। जब आप जैसे जो बच्चे भी जेआरएफ की तैयारी, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जब आप लोग जेआरएफ करोगे फिर पीएचडी में एडमिशन लोगे, है ना, तो हो सकता है तब तक ये और बढ़ जाए, आपके पहले दूसरे साल तक में ये और बढ़ जाए। तो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको अपने दिसंबर वाले एग्जाम्स के लिए। भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी, मेरे साथ करना अगर आप चाहते हैं, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो बाकी टेलीग्राम जरूर मेरा फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम फॉलो कर लेंगे तो सारे अपडेट्स आपको जो है स्पेसिफिक टेलीग्राम पर ही मिलते हैं, मेरे वाले टेलीग्राम पर। ठीक है, थैंक यू। Thank you.